आप लोग जो हैं गले की फांस बीजेपी के लिए बने हुए हैं, या आरोप सीधा आपके ऊपर अनुराग जी लगा रहे हैं, कह रहे हैं चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, ये क्या बीजेपी संग लड़ेंगे? देखिए, जैसी इन लोगों की भावना रही है उसी प्रकार का उनको दिख रहा है, चूंकि हिंदी गठबंधन में रुपका जी आपको पता है कि लोग टीवी पे आके आप लोगों के शो में लड़ते हैं, हमारे यहाँ तो कोई बयानबाजी टीवी पे आके नहीं हो रहा है कि हमको इनसे लड़ाई है इनसे लड़ाई है, हम तो बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है कि हमारा गठबंधन बिहार से है, बिहार के लोगों से है, और अगर हमको 370 या 400 के पार जाना है तो इसके लिए हमको कौन से फिटेस्ट कैंडिडेट कहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे, इसकी बातें हो रही हैं। और एक दो दिन के अंदर में आपको भी पता चल जाएगा और बिहार और देश को भी पता चल जाएगा। खुद से इन लोग कभी ईडी के ऊपर में आरोप लगाते हैं, अपनी बनती नहीं है तो अपनी बलाई ईडी के ऊपर डालते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में डालते हैं, कभी किसी और पे डालते हैं, खुद पे इन लोगों की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो हमारे क्षमता पर शक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारा एनडीए गठबंधन अटूट है, मजबूत है, और 40 की 40 सीटें बिहार से जीत करके और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। टाइम्स अप सर, बिहार टाइम्स अप, मैं आपके पास आऊंगी। किशोर जी, महाराष्ट्र में आप लोगों ने सबको फंसाया हुआ है, आपकी पार्टियां फंसी तो फंसी, आपने इन दो खेमों को भी फंसाया हुआ है, उद्धव जी क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, अपोजिशन की यूनिटी का इंडेक्स 100% महाराष्ट्र में है। अभी जो महाविकास आघाड़ी में जो पार्टियां थी, एनसीपी, कांग्रेस और किशोर जी, आपकी इजाजत के साथ एक बड़ी खबर बस तोड़ देना चाहती हूँ। खबर यह है कि चिराग पासवान, अभी धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि जल्दी आपको खबर मिल जाएगी। अभी चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करके बाहर निकले हैं, बिहार में सीट समझौते पर इनफैक्ट बात हो गई है, जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक हो गई है, मंगल पांडे भी उस बैठक में मौजूद थे, और चिराग पासवान और जेपी नड्डा की इस बैठक में एक बात क्लियर है कि सीट बंटवारे को लेकर समझौता हो गया है। डिटेल में जानकारी हम हासिल करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बताना जरूरी था। कहा यह भी जा रहा है कि किसी भी वक्त अब बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। किशोर जी, आप अपनी बात अब जारी रखिए, बड़ी खबर थी, बताना जरूरी था दर्शकों। हाँ रूबिका जी, मैं बता रहा था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो विपक्ष था उसमें शुरुआत में तो आपने देखा कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना थी, बाद में हमने, क्योंकि पिछले वक्त हमारे यहाँ कदावर लेटा है प्रकाश आम्बेडकर जी, इन्होंने विपक्ष के वोट बहुत काटे थे, तो अभी हमने उनको ऑफर किया है और कुछ सीटों पे किरकिरी है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि प्रकाश आम्बेडकर जी अभी उनके जो दादाजी थे उन्होंने जो संविधान भारत को दिया है उस संविधान को बचाने के लिए वो विपक्ष के साथ रहने को तैयार है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि कुछ सीटों पर, यानी 4 सीटों पे तो अपोजिशन उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं डालेगा, लेकिन कुछ सीटों पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन प्रकाश आम्बेडकर जी के सीटों पर ही। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का सवाल है या फिर शिवसेना का सवाल है, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि प्रकाश आम्बेडकर को हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ रूबिका जी, कल मैंने उद्धव जी की सभाएं अटेंड की यवतमाल जिले के अंदर, हजारों लोग धूप में खड़े थे, मुझे लगता है मौसम बिगड़ गया है। हाँ प्रेम शुक्ला जी, सिग्नल जो आया था वो कल का सिग्नल मुझे देख के लगता है कि आपका महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ होने वाला है। मैं राजनीति से हटकर ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ। हाँ, ग्राउंड पर थे ना, यवतमाल की बात कर रहे हैं, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुपड़ा साफ कर रहे हैं आपका जी? ये किशोर तिवारी जी को हसीन सपने देखने का तो संवैधानिक अधिकार है, ये हसीन सपने देख सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इनके सिर्फ मुंबई शहर में जहाँ शिवसेना का गढ़ कहा जाता था उसमें से इनके 85 में से 55 कॉरपोरेटर जो हैं वो शिवसेना छोड़कर जा चुके हैं। इनके एक विधायक रविंद्र वायकर, जिस मातोश्री के नाम पर मातोश्री क्लब है, जो मातोश्री शिवसेना प्रमुख का जो है निवास स्थान था, जिसको शिवसैनिकों में जो है मंदिर जैसा दर्जा था, उस मातोश्री क्लब जिसकी
जिसकी चेयरपर्सन रश्मि ठाकरे हैं, उसके जो हैं सब जो संचालक हैं रविंद्र वायकर, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो आपकी दशा ये है कि हर दिन जो है कि इसमें प्रतियोगिता है कि ज्यादा लोग शिवसेना छोड़कर जाएंगे, श्रीमान आदित्य ठाकरे का साथ छोड़कर जाएंगे, श्रीमान राहुल गांधी का छोड़कर जाएंगे। तो आपके यहाँ तो ये दशा है कि पूरी तरह से भगदड़ मची हुई है। रूपिका जी ईडी सीबीआई के भरोसे कितना करेंगे? अभी इनके पास अगर इतनी सशक्त पार्टी है तो अशोक चव्हाण को क्यों लिया? दलवी साहब को क्यों लिया? मुझे बताओ, वड़वी साहब को क्यों लिया? आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है, किराए के उम्मीदवार के भरोसे चुनाव लड़ने को जा रहे हैं आप। शतरंजिया ही उठाना, आपने केवल पार्टी की भूमिका ही बांधना। अरे मैं तो सोचा था कि राज्यसभा में आप आ रहे हैं, अभी मैंने देखा था कि बंबई में आपको खड़ा किया जा रहा है। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो आपके पुराने मित्र उनको बुलाया जा रहा है। आपके पास उम्मीदवार नहीं। आपने कट्टू साइड किया शिवसेना, एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को, तो सारे लोग अब हमारे साथ आ गए। आज शिवसेना में सब लौट के आ गए और सारे शिव सैनिक तो उद्धव ठाकरे के पास है। गजब कॉन्फिडेंस के साथ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। रुक जाइए, अब रिबटल को मौका दीजिए और उसके बाद मेरे दो मैं तो तथ्यों के साथ लगा रहा हूँ। रूबिका जी, मैंने जो कुछ कहा तथ्य कहे, इन्होंने तथ्य कौन सा बताया? मैं 85 इनके पार्षदों में से 55 जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, तथ्य है ये। रविंद्र वायकर छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 13 सांसद छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। इनके 43-44 विधायक छोड़कर चले गए, तथ्य है ये। ये इनके पास तथ्य क्या है? मैं जो कह रहा हूँ वो तथ्य के साथ कह रहा हूँ, मैं कोई भी काल्पनिक जो है आंकड़ा नहीं रख रहा हूँ इनके सामने। अच्छा ये तो महाराष्ट्र की तो बात होगी सर, सुनिए महाराष्ट्र की तो बात होगी, लेकिन वहाँ किशोर जी आपके इंडिया गठबंधन का वहाँ पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ? आप रुकिए, मैं ये सवाल जो है अनुराग जी से पूछ लेती हूँ। अनुराग जी, क्या दीदी ने तो 42 के 42 उम्मीदवार घोषित कर लिए, कांग्रेस कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, इंडिया गठबंधन मजबूत है, सभी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी जो कैंडिडेट अपने हिसाब से डिक्लेयर किए होंगे, उन्हें पता है, उन्हें लग रहा होगा कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं ना सब। अब सवाल ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए नेता कैसे कहते हैं, वो सांसद मेरे पास आ गए, वो विधायक मेरे पास आ गए, वो पार्षद। अरे भैया नेता आए आपके पास, जनता कहाँ है ये बताओ ना। जनता ने तो जिनको जिस सिंबल से चुना था उन सिंबल पे तो जनता दोबारा से वैसे ही लोगों को चुनेगी जिस आधार पर, जिस भाई एक पार्टी का अपनी एक विचारधारा होती है ना, उन्होंने विचारधारा को चुना था, किसी व्यक्ति को नहीं चुना था, व्यक्ति के रूप में होते हैं वो। आपने उन व्यक्ति को तोड़ा है, जनता की विचारधारा को नहीं तोड़ा है। तो जनता की विचारधारा तो नहीं है, यहाँ पे वादा कर रहे हैं और आप यहाँ पर ताल ठोक के कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने विचारधारा से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपकी पार्टी या इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उस पार्टी, नहीं रुकिए, समाजवादी पार्टी नहीं, आप ये तो आप दोनों खेल करते हैं ना, जिसका जो टूटता है वो आप में समा जाता है, आप इन पर काहे आरोप लगा रहे हैं? ये तो दोनों पर एक जैसा सूट करता है ना। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, इन्होंने सत्ता हड़पी है ना इसी तरह करके, नेता तोड़ के पार्टियां तोड़ के सत्ता हड़पी है। जिनकी चिराग पासवान जी की बात करें तो उनकी झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, दो भाग में डिवाइड कर दी थी, भागे भागे घूम रहे थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कर रहे हैं, इनकी पार्टी को तोड़ने वाला कौन है? जब जेडीयू, नहीं आपने देखा हो, जेडीयू जब भागी थी इसी डर से भागी थी ना, लास्ट में एनसीपी को तोड़ा ही ना, शिवसेना को तोड़ा ही ना। तो इन्होंने शिवसेना एनसीपी तोड़ के सरकारें तो बनाई है, लेकिन आप जब वोट होगा तब जनता अपने आप, जनता ने जिस विचारधारा को चुना था, जिस मुद्दों को चुना था, मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे किसान, महंगाई, है ना प्रेम शुक्ला जी, मुझे इसको उत्तर देने का उत्तर दीजिए। हाँ हाँ उत्तर दीजिए अनुराग जी। देखिए ये अनुराग जी, पहले अपने नेता, अपने नेता नहीं, 10 एकड़ नाविका जी, एक सवाल और है, ये अपने नेता है नाविका जी, उसके सबका जवाब नहीं मिलेगा। एक सवाल, एक सेकंड, देखिए अमेरिका रिपोर्ट आई है। अनुराग जी रुक जाइए ना, रुकिए एक सेकंड। अरे आप कहीं अभी कोई चुनाव खत्म हो रहे हैं क्या? इससे कोई आपको वोट थोड़ी मिल जाएंगे, रुक जाए, आपने बात रख ली, मैं वापस मौका दे दूंगी ना, 10 सेकंड ही तो मैं फिर मौका दूंगी आपको, रुक जाइए। 10 सेकंड में क्या, मैं फिर मौका दे दीजिए, 5 सेकंड में क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं पहले नाम सही बोलिए, मैं 5 सेकंड और दे दूंगी आपको।
बिल्कुल, मैंने कहा नाम सही बोल रहा हूँ, रूबिका जी बोल रहा हूँ मैंने कहा रूबिका जी इनसे पूछिए कि 67 लाख बच्चे